शरीफ लोग हैं, बियर नहीं पीते। तुम ले क्या तुम ही पियो भाई। कुछ फोटोग्राफी चल रही है, देख रहे चलो भाई मैं निकलता हूँ। ये रहा अपना किचन का, ये रहा अपना ऑफिस। अरे ज्यादा ही दिन हो गया। अभी मैं ऑफिस से निकला हुआ हूँ, ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई है। साली बारिश का अलग ही नशे है। मॉर्निंग में आ रहा था तब भी मैं बारिश होने लगी थी, और जा रहा हूँ तब भी बारिश होने लगी, देख रहे हो बुरा हाल है यार। बारिश शुरू हो गई साली अभी से। मेरे को ब्लॉग बनाने का है, मेरे को जाने का है देहरादून, लेकिन ये बारिश मुझे लगता है जाने नहीं देगी यार, बहुत बुरा हाल है। ये है अपना गुड़गांव का हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, ये सामने आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से मेरे को जाना है देहरादून, क्योंकि ये ट्रिप होने वाली है गुड़गांव टू देहरादून। बहुत ही मस्त ट्रिप होने वाली है, आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें दिखाएंगे रास्ते में। और देहरादून पहुँचने के बाद और भी कई सारे चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं देहरादून की, जहाँ पे कई सारी फेमस जगह हैं, जैसे रॉवर केव हो गया, रॉवर केव हो गया, गुच्चू पानी हो गया, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। और अब चलते हैं सीधे मेट्रो स्टेशन, लेट्स गो। तो मेट्रो स्टेशन जाने के बाद हम अंदर का चीज़ें कुछ भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेट्रो के अंदर कैमरा बैन है। तो हम आपको सिर्फ मेट्रो तक ले चलते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लेट्स गो। तो ये आ चुके हैं हम चांदनी चौक रेलवे स्टेशन, सॉरी ये आ चुके हैं हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर। और यहाँ से हमें जाना है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी सीधी देहरादून के लिए। तो चलो अभी वहीं पे चलते हैं। चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं देहरादून जा रहा हूँ काफ़ी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से नॉर्मली ब्लॉग आ रहे थे दिल्ली NCR के और गाँव के, तो मैंने सोचा कहीं कहीं ना एक बाहर का भी ट्रिप हो जाए। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे देहरादून, देहरादून से आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी जगह। और अभी हमें जा रहा है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी देहरादून की 10:30 बजे, और 10:30 बजे वाली ट्रेन हमें पहुँचाएगी मॉर्निंग में कल 8:30 बजे देहरादून। उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला, तो अभी हम आपको यहाँ से देहरादून तक का सफर दिखाने वाले हैं, उसके बाद की ब्लॉग बाद वाले ब्लॉग में। प्लेटफॉर्म पे टाइम हो रहा है 9:00 बज रहे हैं, 9:03 हो रहा है, लाइन है बहुत लंबी लंबी है। मुझे फाइनली टिकट मिल गई है, देख रहे हैं पूरे 9:30 बजे मेरी, आधा घंटा लग गया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ हो रही बहुत भयंकर। डैडी के तू कर दे मैसेज आ जा रही 9:30 बजे। ये बढ़िया था गुरु देख रहे भाई कितना भयंकर भीड़ है भाई, देख रहे हैं। आते ही मसूरी एक्सप्रेस भी आ चुकी है, देख पा रहे हैं जैसे प्लेटफॉर्म पे आया वैसे ही आ गई मसूरी एक्सप्रेस। फाइनली स्टेशन पे आ गए और अपनी ट्रेन भी मिल गई, और ऊपर से सीट भी मिल गई, और सीट मिली है विंडो सीट, समझ रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफी लोग ऑलरेडी आके बैठ चुके हैं, रेलवे वालों ने थोड़ा स्कैम कर दिया जो सारे जनरल डिब्बे, मतलब 2 डिब्बे आगे होते ना और 1 डिब्बा पीछे था जनरल का, सारे के सारे पीछे ही कर दिए उन्होंने। अब जो आगे भाग के गए थे वो सारे सारे पीछे भागते हुए आ रहे फाइनली अपनी ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से, और ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन छूट चुकी है। बोगी पूरा फुल हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप काफ़ी भीड़ भरी हुई है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, सारे लोग पैक हो चुके हैं। और अब हम सीधे निकल पड़े हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहां आपको हम दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ये था दिल्ली जंक्शन, और अब आपको देखने को मिलेगा यहां से लेके देहरादून तक का सफ़र, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये
देख रहे हो किस कदर खतरनाक चीज़ें बन रही हैं। यमुना नदी के ऊपर कुछ पुल वगैरह बन रहा है। वाई 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 खतरनाक। रात में इतना अच्छा व्यू आ नहीं रहा है बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वाह मेट्रो स्टेशन रेलवे ट्रैक सेम टू सेम। वाह क्या बात है। सादरा जंक्शन रुकी है ट्रेन और इतना बारिश हो रहा है ना सामने देख पा रहे हैं। दिल्ली सादरा जंक्शन और बारिश बहुत भयंकर हो रही है यहाँ पे। लोग बेचारे बारिश में ही आ रहे हैं क्या करें। यार अंधेरे में मजा ही ना आ रहा है। एक काम करता हूँ सुबह कर देता हूँ। आ गया हरिद्वार देख रहे हो एक चुटकी में हरिद्वार आ गया। असंभव असंभव बेचोद असंभव। तो यहाँ पे भीड़ सारी उतर रही है हरिद्वार वाली। अबे ये लड़का तो मेरी तरह ही जैकेट पहने घूम रहा है देख रहे हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस ट्रैक पे सबसे खूबसूरत जगह हरिद्वार ही आता है। बहुत अच्छा शहर है भाई बहुत अच्छा शहर। आप देख पाए काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे उतरती है क्योंकि डेली यहाँ पे श्रद्धालु इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं ना कि ये पूरी ट्रेन भरी हुई आती है वहाँ से और अब जाके खाली होती है यहाँ हरिद्वार में आके। हरिद्वार में देखेंगे अब सारी भीड़ खाली हो चुकी है बहुत ही कम लोग बचे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सीट से बैठा हुआ हूँ। इधर आते ही आते सर्दी शुरू हो गई तो मैंने जैकेट डाल लिया था रात में ही और मॉर्निंग क्योंकि रात में कुछ देखने को मिलना नहीं था इसलिए बस होता है सीधे मॉर्निंग आपको दिखाएंगे। तो मॉर्निंग हुई है हरिद्वार में आके बहुत अच्छा मोमेंट लग रहा है यार यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉर्निंग हुई है बहुत खूबसूरत। और अपनी ट्रेन हरिद्वार से छूटती हुई देख रहे किस कदर खूबसूरत व्यू है यार। सफर करने का मजा ही अलग होता है। आप कहाँ जा रहे हो कौन सी आपकी डेस्टिनेशन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इज दिस की सुबह की खूबसूरती ऐसे पहाड़ों में हो। वाह क्या ही मोमेंट है यार। सुबह की सुबह सबसे पहले आपको खूबसूरत जगह दिखती है हरिद्वार जहाँ एक से एक अच्छे अच्छे श्रद्धालु लोग आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने। देख रहे हो कुछ खूबसूरती है हरिद्वार में। आते हैं लकी लोग फिर आते हैं बहुत ज्यादा लकी लोग फिर आते हैं ये लोग। देख रहे हो इतनी खूबसूरत जगह पे इन्होंने घर बनाए हुए हैं भाई कितना मस्त लगता होगा इनको। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना ओके अच्छा। देख रहे हो कितनी पुरानी नदी है ये सूख चुकी है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही पानी चल रहा है इसमें बट कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। एक अपना छोटा सा बैग हो और एक दिन हो फ्री का जिस दिन आप आराम से घूम सको भाई क्या ही खूबसूरत लगता है ये पल। ऐसे पल छोड़े नहीं जा सकते यार। भाई 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 मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ की खूबसूरती देख देख के। ये जो बार बार जो ट्रेन कर्व ले रही है ना ये मेरे को मतलब ये मेरे को ना बार बार वीडियो बनाने में मजबूर कर देती है कि यार कितना खूबसूरत लगता है जब ट्रेन कर्व ले रही हो और उधर राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में आपके कितना खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हो इनको देख के आप पागल हो जाओगे। बॉय कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है कोई शहर। सला यहाँ दिल्ली NCR में रह रहे के पागल हो गए मान। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है बस। बाहर उतर के घूम के देख लिया जाए। वाह कितना खूबसूरत है यार कितना खूबसूरत है। ये है मेरी विंडो एमरजेंसी विंडो बैठा हूँ इसीलिए कि जिससे कि बहुत अच्छा व्यू आ सके।
बाहर देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत मौसम है। ऐसा सवेरा होना चाहिए यार अपने शहर में, लगे कि हाँ अभी सवेरा हुआ है। साला वहाँ तो सवेरे उठते ही उठते पहले भागो पहले 10,000 रुपए की जॉब करने के लिए। तो सफर करके चेहरा भी कैसा हो चुका है। हर हर संभू संभू। पीछे देख पा रहे हैं काफी लोग यहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फोटोज वगैरह ले रहे हैं क्योंकि पीछे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सनराइज, खूबसूरत सनराइज, वाह। इससे खूबसूरत सनराइज कहीं हो सकता है क्या? देख पा रहे हैं क्या ही ब्यूटीफुल लग रही है। देखो कितना खूबसूरत कर्व लिया इसने फिर से यार, क्या ही जानदार लुक है, क्या ही जानदार व्यू है भाई, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इसे बोलते हैं यार लाइफ, समझ रहे हो? भाई ये घर देख रहे हो किस लोकेशन पे बनाया इस बंदे ने, भाई जन्नत में रह रहा है ये बंदा, जन्नत में, सच बता रहा हूँ। अच्छा ऐसी जगह पे रहने का मौका मिल जाए बस, ओ गॉड, बस एक बार रहने का मौका मिल जाए यहाँ पे। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बैग हो और सामने आपकी लड़की बैठी हो और अचानक जैसे आप कैमरा ऊपर करें तो आपको ये दिख जाए, दिमाग का दही कर दिया ना मैंने। वाले पेड़ बहुत हरे हरे लग रहे हैं भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे कितने हरे हरे पेड़ हैं। नॉर्मली इतने हरे पेड़ होते नहीं, बट ये नए पत्ते निकले ना इनके नए मौसम में, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये पौधे पेड़ जितने भी। मेरे पास DSLR होता तो बहुत अच्छा मैं कैप्चर कर पाता, क्योंकि देखो आधे पहाड़ों पे छाया है और आधों पे धूप है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आंखों से देखने, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और दूर दूर तक है ये पहाड़ जगह पे। भाई एयरप्लेन से जो लोग सफर कर रहे हैं ना उनके लिए तो अलग ही खूबसूरत लग रहा होगा ये व्यू, देख रहे हो ऐसा व्यू ऊपर से दिख रहा होगा कितना खूबसूरत है। ये जा रहा है प्लेन और ये रही वो खूबसूरत, बार 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 बार।
असली जन्नत में तो ये लोग रह रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत जगह पर रह रहे हैं ये लोग। पीछे इतने ऊंचे ऊंचे मस्त ब्यूटीफुल पहाड़ हैं और इधर इनके घर हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गेहूँ की फसल भी है। वाह, देख रहे हैं मूवमेंट। तो मुझे लगता है बारिश भी आने वाली है, बारिश का मौसम बन रहा है। सही मैंने बोला वैसे ही बारिश शुरू हो गई। देख रहे हैं ये पूरा पटरी भीगा हुआ है बारिश से, इधर भी पानी गिरने लगा है। आ चुके हैं देहरादून। शहरों में अभी काफी दूर है देहरादून, बट एंट्री हो चुकी है ऑलमोस्ट। दूर देख पा रहे हैं, पहाड़ अभी भी दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ये रहे वो पहाड़, खूबसूरत पहाड़। फाइनली द डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड, देहरादून जंक्शन। ये जंक्शन नहीं ओनली देहरादून है, सस्ती देहरादून। बट यार देहरादून आते ही सामने आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई। ये स्टोन पहाड़, स्टोन वाले पहाड़ लग रहे हैं क्योंकि इसमें पेड़ नहीं है, ऊपर पूरा पत्थरों का पहाड़ है भाई। देख रहे हो किस कदर खूबसूरती है भाई। भाई भाई वह सुकून तो ऐसी जगह है भाई देहरादून। वाह अमेजिंग आमची देहरादून। और ये है पहाड़ों का शहर, जैसा कि आपने काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा, सुना भी होगा। भाई ये जन्नत है पहाड़ों के लिए। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं देहरादून। तो ये था कुछ दिल्ली से देहरादून तक का सफ़र, जिसमें आपने काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह देखी, काफ़ी खूबसूरत पेड़, काफ़ी खूबसूरत पेड़ पहाड़ और भी बहुत सारी चीज़ें देखी आपने। तो आई होप मज़ा आया हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता था बट मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने हटाई हुई हैं, क्योंकि ना क्या कर इतना बड़ा ब्लॉग, एक घंटे की रिकॉर्डिंग थी, एक दो घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, उसमें ऐसे काट काट के अच्छा बनाना पड़ता है, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में देहरादून की खूबसूरत दुनिया। लेट्स गो।